So hello and welcome peoples, this is your anchor Anjaneya Asaro and you are watching me Starlet Entertainment and I am back here again with another interesting update from the TV industry. आप सभी को बताने के लिए Colors TV का बहुत ही popular show धर्म पत्नी जिसको लेके काफ़ी दिनों से खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द शो ऑफ एयर जा सकता है, हालांकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई हैं इसको लेके। आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर 2022 में आया ये शो, नागिन 6 की जो सक्सेस रही एकता कपूर ने उसके बाद ये शो लेके आई कलर्स टीवी पे, काफ़ी पसंद किया लोगों ने इसको भी इनिशियल डेज में, लेकिन आने थोड़ा सा आगे आने के बाद से उसकी जो टीआरपी रेटिंग है, उसकी जो व्यूवरशिप है उतनी नहीं आती थी, तो कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया कि शो को टाइम स्लॉट चेंज किया जाएगा। लेकिन टाइम स्लॉट चेंज करने के बाद भी जो व्यूअरशिप थी और डिक्लाइन ही होती जा रही थी, तो आखिरकार मेकर्स और सारे लोग मिलके इस फैसले पे आए कि अब शो को ऑफ एयर ले जाने का सही वक्त आ चुका है। तो इसको लेकर काफ़ी सारी खबरें आई थी जिसमें कि आपको ये हम बताना चाहेंगे, फिलहाल अभी इस वक्त टेली चक्कर के एक रिपोर्ट के हिसाब से उन लोगों का ये कहना है कि 29 सितंबर को उसका लास्ट शूटिंग रहेगा। हालांकि जो क्रू है उनका ये कहना है कि इस महीने के 24 या 25 तक वो लोग लास्ट शूट करके वाइंड अप करेंगे। साथ ही फरमान खान का इस पूरे मामले पे कहना है कि अभी उनसे जब पूछा गया कि इसके बाद और क्या आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि धर्मपत्नी के बाद शायद नागिन 7 के लिए भी उनको जेनिफर विंगजेट के साथ देखने का मौका मिल सकता है ऑडियंस को। लेकिन अभी तक फिलहाल इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की श्योरिटी मिल चुकी है कि धर्मपत्नी सात वचन प्यार के बहुत ही जल्द हो रहा है ऑफ एयर। आप कितना मिस करने वाले हैं शो को हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और स्टोरीज को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।